नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक सीक्रेट बताऊंगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत लोग कहते हैं ख़राब है सिस्टम। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, बिकॉज जैसे मैं चीज़ों को देखता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई देख नहीं रहा, और जो वो देख के मैं बताता हूँ आप लोगों को बहुत आनंद आता है। ओरिजिनल कंटेंट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं जी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। द वेरी मोमेंट आई से इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और मैं अगर अभी इस मोमेंट पे आपको बोलूँ पॉज कर लें वीडियो को, दो मिनट, एक मिनट ही लगेगी, पॉज कर कर एक लाइन या चार वर्ड्स लिखें जो भी आप सोचते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसमें। नीचे दूसरों के कमेंट नहीं पढ़ने, जो आपके दिल में जेन्युइनली आ रहा है। एक वर्ड लिखना चाहते हो या तीन या चार पांच लाइन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहते हो। अभी एक मिनट का टाइम लगेगा, पॉज कर लो। लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके लिख लिया? बहुतों ने लिखा होगा, कईयों ने फिर भी नहीं लिखा होगा। बट मैं वैसे बता देता हूँ कि जब भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो कोई अच्छा तो कुछ नहीं लिखेगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखेगा इट इज़ द ग्रेटेस्ट सिस्टम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, इसमें तो कुछ कमियां ही नहीं है जी, मज़ा ही आ गया, ऐसा कोई नहीं लिखेगा। आई एम वेरी श्योर, मैं चेक भी कर लूँगा, आप लोग भी चेक कर लेंगे, और ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं रखता। लोग कुछ बुरा बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा भला, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर आप चर्चा मत करो। मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मेरी ओपिनियन नॉर्मल है, अच्छा है, नहीं बुरा है, नहीं दोषी कौन है, खराब ये कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसे हो नहीं। दोषी जी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आप हैं समाज में, सब्सक्राइबर कैसे हैं बताता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो जो जैसा है है, आप बाहर के कंट्रीज़ में जाओगे वो भी बड़े दुखी हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपने इसको इतनी तवज्जो दे क्यों रखी है। अगर ये घटिया चीज़ है, बेकार चीज़ है, जो मैं भी मानता हूँ है, तो आप इसको इतने डरते क्यों, इनसे इतनी इज्जत क्यों दे रखी है आपने। आप क्यों इस घटिया एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को प्रेशराइज करते हो कि 98% ला, क्योंकि सिस्टम ही घटिया है। आप स्कूल वालों को क्यों सर पे चढ़ाते हो, स्कूल वालों की मैनेजमेंट जो है ऐसे चलाती है पेरेंट्स को। मैं तो बहुत कंसल्टेशन देता हूँ, स्कूल्स वाले भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। टीचर्स के लिए मैं वैसे भी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं टीचर्स को यहाँ बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, मेरा मिशन है टीचर्स को, स्कूल वालों को नहीं। अपना एक बिल्डिंग बना ली तो उम्र भर रोटी खाते रहोगे, इतने जब पैसे थे। द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनें, स्कूल वाले आपको ऐसा डरा के रखेंगे, असाइनमेंट नहीं हुई, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, पेरेंट्स दबा के फीस देते हैं। लोग कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट पैसे नहीं डाल रही। अरे भैया, प्राइवेट वाले कितने पैसे डाल रहे हैं, तुम आप लोग सब्सक्राइबर्स कितने पैसे डाल रहे हो, कितने महंगी फीस होगी, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है और पैसे डाल के भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जिसको हलवा बनाना नहीं आता तो तुम 10 kg देसी घी डाल के टेस्टी नहीं होता, क्योंकि बनाना ही नहीं आता भाई, पैसे से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हायर एजुकेशन में हो जाएगा, ये गरीब का फायदा हो जाएगा, अबे जब सारा सिस्टम ही बकवास है। एजुकेशन सिस्टम को यूज करना आता नहीं है लोगों को, लोगों को ये लगता है कि कोई भी काम की चीज़ होगी ना वो एजुकेशन सिस्टम में होगी नहीं। जैसे एजुकेशन सिस्टम में पैसा कैसे कमाना बताते नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बताते नहीं, ये सारे लोग कोर्सेज करके बताते हैं यूट्यूब के ऊपर या कोई और बताएगा, और हर आदमी बोलेगा यार ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं डाला। रियल एस्टेट को सिखाता है क्या, रिलेशनशिप को सिखाता है क्या, कोई भी काम की चीज़ जो होती है वो तो कहीं नहीं सिखाई जाती। एजुकेशन सिस्टम में बस ये सिखाया जाता है क्लर्क कैसे बनना है, जो अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम था, और वो भी कोई ख़राब नहीं था। क्लर्क बनने जितना तो सीख लो, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश कुछ नहीं, एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन कुछ नहीं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सीख लो, कॉस थीटा साइन थीटा सीख लो, ट्रिग्नोमेट्री सीख लो, क्यों भाई। परछाई कहाँ पड़ेगी लैंप की, पोस्ट की, 30 डिग्री में, मैंने तो लाइफ में कभी यूज़ किया नहीं, पर सब सीखना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। ये सारा सिस्टम पैसे कमाने के लिए बना है। आपको समझना है एजुकेशन सिस्टम होता किस लिए, कोई भी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम होता है कि आपको सीखना क्या है और कैसे सीखना है वो सिखाया जा सके। नॉट फोकस हो गया कि सिखाया क्या जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी नई चीज़ जब आप ये सीख लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, लोग मजाक में कई बार बोलते हैं दुग्गल साहब आज एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, आज बने हुए हैं जी स्टॉक मार्केट वाले, आज जी मैरिटल वाले, आज जी पॉलिटिक्स वाले, आज जी रियल इस्टेट वाले, 70 चीज़ें करता हूँ मैं, तो क्या मैंने जाके डिग्रियाँ कलेक्ट करी हैं इनकी। लोग कहते हैं आप ऐसे कैसे बोलते, ये बोलते, मैं योगा की डिग्री पूछी है आपने रामदेव जी से,
रामदेव जी से योगा की डिग्री थोड़ा ना पूछेगा, तो बोला हम भी गुरु जी हैं, हम कौन सा किसी का पेट खोल रहे हैं जो डॉक्टर की डिग्री चाहिए। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। हर बार जब आप किसी और से डिग्री मांगते हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं इस एजुकेशन सिस्टम के, क्योंकि आपने पैसे खर्च करे, आप सोचते हो कि अरे बिना डिग्री बनाए मिनिस्टर बना जा सकता है, तो वो मिनिस्टर भी अपनी झूठी झूठी डिग्री दिखाते हैं, क्योंकि वो भी इतना प्रेशराइज्ड है। मिनिस्टर आके मुंह पे नहीं बोल सकता मैंने डिग्री नहीं ली, डिग्री के बिना काम चल जाता है, क्या जरूरत है डिग्री की। नॉलेज होनी चाहिए, अपने फंक्शनल नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। नो 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 नॉलेज विदाउट कॉलेज नहीं, ये पढ़ा मिडिल क्लास ने बना रखा है इसका, ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा है, तुमने क्या उखाड़ लिया ज़्यादा पढ़ के, यहाँ से यहाँ मारे मारे फिर रहे हो। 24 साल की उम्र हो जाती है, गुरुजी क्या काम करें। मैंने कहा उस कॉलेज से पूछ जहाँ फीस दी थी, उन माता पिता से पूछ जिसने उस कॉलेज में भेजा था, उन स्कूल वालों से पूछ। कॉपी राइटिंग के नाम पर चार लाइन अगर लिखनी पड़ जाए किसी चीज़ की, वो मैं आप लोगों को एक टेस्ट करता हूँ, एंड वो मेरे सारे वीडियोज़ में आप करना, एक टेस्ट करता हूँ, एंड उससे पता चल जाएगा। मैं क्लेम नहीं करता कि मैं जो थंबनेल लिखा है ना, जो 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 टॉपिक लिखा है ना इस वीडियो का, अब ये वीडियो आपने आधा कंज्यूम कर लिया, आगे कर लोगे, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का एक और बेटर अप्रोप्रिएट टाइटल देना, एक बेटर अप्रोप्रिएट टाइटल देना, और जो मेरे को बेस्ट टाइटल लगेगा वो चेंज होता दिखेगा आपको। मैं मुझे पक्का यकीन है कि मैं इस वीडियो का बेस्ट टाइटल नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन से निकलता है, मेरा कुछ और पार्ट ऑफ द ब्रेन चलता है। ये भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, थंबनेल्स बनाना, टॉपिक्स करना, ये करना। और अगर मुझे एक रेगुलरली कोई मेरे को एक यूज़र आईडी या कोई दिख गया अच्छे थंबनेल बनाने, ये लिखने वाला टाइटल लिखने वाला, मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ, थंबनेल स्टिल इजी थिंग, एक अप्रोप्रिएट टाइटल लिखने वाला, मैं यहाँ वादा कर रहा हूँ उसको मैं हायर कर लूँगा, उसको मैं हायर कर लूँगा, मैं उसको वीडियो भेजा करूँगा, मैं बोलूँगा भाई तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, तू वीडियो सुन ले और इसका टाइटल डाल दे भाई, मेरे को दिमाग की दही होती है इसमें करने में। एक काम दे दिया मैंने जी, ये किसी एजुकेशन सिस्टम में सिखा रहे हैं क्या, क्यों एजुकेशन, ये चीज़ है, नेचुरल टैलेंट आना चाहिए, ये असली काम है। इस काम को ढंग से करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे सोचने में, पहले वीडियो देखना है, समझना है, फिर वो वर्ड्स देखने हैं, सर्चेबल वर्ड्स देखने हैं, आइडेंटिफाई देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्लिक बेटेज, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाने वाला, बड़ा दिमाग लगता है। अब मैं इतने वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं ये दिमाग नहीं लगा सकता, हालांकि मेरे वीडियोस के टाइटल से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाता है, ये बहुत लोग को पता है, पर मेरे व्यूज़ थोड़े सफ़र करते हैं, क्योंकि मेरा अब मेरे को एक लॉयल ऑडियंस चाहिए, ज़्यादा तो मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही एजुकेशन सिस्टम है। ये कभी आपको नहीं सिखाएगा काम की चीज़, ये सिर्फ आपको बताएगा चीज़ सीखनी कैसे है, वो सीखनी सीख लो और फिर सारी काम की चीज़ें सीखो। काम की चीज़ें सिखाएंगे शायद मेरे जैसे, शायद जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जो अमीर हो रहे हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, एडवाइस कैसे लेनी है, वो आप लोगों ने देखा होगा, अप्रिशिएट भी बहुत किया, वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ये मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को क्यों गाली दे रहे हो भाई, एजुकेशन सिस्टम अगर किसी को कुछ नहीं बना रहा तो कॉम्पिटिशन भी तो कमी है ना, फिर तुम कुछ बन लो, तुम कुछ कर लो। एक घटिया एजुकेशन सिस्टम है मान लिया, बढ़िया हो जाएगा तो क्या नौकरियां बढ़ जाएंगी भाई। एक केक इतना है, इंडियन इकोनॉमी का केक इतना है, इतना ही पैसा है, यही केक का साइज है, ये केक को खाने वाले हैं। अब तुम ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, सब कर लेंगे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं स्किल आ जाएंगी, तो स्किल अभी क्यों नहीं आ सकती, स्किल तो ITI पे मिलती है, ज़रूरी तो ना IIT जाना। जितने लोग IIT जाने की में रहते हैं उतने से 1/10 एफर्ट में ITI हो जाएगा और दबा के पैसे कमा सकते हो, लेकिन सेक्सी नहीं लगता। तो एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का चाहिए कि बस हार्वर्ड वाले हो जाए, अरे भैया वो आके यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, बाहर वालों के पास नॉलेज है, इंडिया के पास शिक्षक नहीं है, इंटेलिजेंट लोग नहीं, विद्वान नहीं है। मैं बहुत तगड़ा विद्वान हूँ बट मैं जाके क्यों IIM में जाके पढ़ाऊंगा, कितनी तनख्वाह IIM वाले की प्रोफेसर की, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 कितनी है भाई। तो अगर जिसमें एक्चुअल में वो है तो कहीं और ही काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि IIM वाले डायरेक्टर बोर्ड में और यहाँ कहीं नहीं है, वो भी पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे, बट वॉट आई एम सेइंग इज बहुत लिमिटेड है मेरे भाई, वो होंगे ऐसे 100, वो निपट जा रहे हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता के अंदर ही। आपके IIM रोहतक में कितने कैलिबर के हैं चेक कर लो, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा, पर IIM रोहतक डजंट रैंक इन द टॉप 5 IIMs फॉर श्योर, ठीक है। तो नहीं है हमारे पास, अशोका यूनिवर्सिटी में अगर कोई आते हैं, बाहर से आते हैं तो फीस देख लो उनकी क्या है, बाहर से फैकल्टी लेकर आते हो तो बाहर से कोई आदमी आएगा
अगर आप एक इंडियन जहाज़ उड़ा रहे हैं, एक टाइम था जब इंडियन जहाज नहीं, बाहर के एक्सपैट पायलट्स आते थे, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा जहाज़ उड़ाना सीख ही नहीं रहे थे, यहाँ पायलट बन ही नहीं रहे थे, लाइसेंस ले ही नहीं रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, तो एक्सपैट पायलट तो डेढ़ गुना दो गुना तनख्वाह पे आता है बाहर वाला तो इंडी काम करने के लिए, फिर उससे तो टिकट का प्राइस भी बढ़ता है। उसी तरह अगर हम बाहर के फैकल्टी लेकर आएंगे इंडिया में, तो भाई फिर बी रेडी टू पे तीन गुना चार गुना लगान, लगान नहीं, लगान तो मैडम लेती है, ये फीस वो नहीं देना चाहते, हम फीस भी नहीं देना चाहते। तो भाई एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही रहेगा हमारा, बाहर के लोग आके पढ़ाएंगे क्यों, हमारे वालों को पढ़ाना नहीं आता, जिसको आता है वो कहता है मैं यहाँ क्यों पढ़ाऊँ इतने सस्ते में, समझो ना मेरी बात, सारे सारे के सारे वो कहेगा मैं अलग ही कुछ अपना कर लूँगा। तो आप कब तक गाली दोगे इसको, एजुकेशन सिस्टम को? आप इससे जो मोटा मोटा सीखना है सीखो, बर्नआउट मत करो, 11वीं 12वीं में ज़्यादा नंबरों के पीछे मत भागो, मोटा मोटा ले लो, फंक्शनल ले लो, एंड बी वेरी क्लियर कि करना क्या है। और बहुत जगह है, डिजिटल स्पेस में बहुत कुछ पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस तरह की प्रैक्टिकल, इस पर मैं एक डेढ़ घंटे की चीज़ें बताकर क्लैरिटी दूंगा। प्लीज़ चैनल का मेंबरशिप लें आप। बहुत लोगों ने मेरे को बोला, एक कई लोग बोलते हैं, पहली बात तो भाई ये चैनल गरीब लोगों के लिए नहीं है, मेरा कोई भी चैनल नहीं है, नहीं गरीब को तू, गरीब मतलब जो सोच से गरीब है, पैसे से गरीब मैं किसी को नहीं बोलता। जिसको फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए तो यहीं फ्री बता दे, फिर वैल्यू क्या है, फिर तो सबको पता चल गई, फिर एडवांटेज क्या है। यही तो एजुकेशन सिस्टम का लिमिटेशन है, अगर वो अच्छा हो जाए तो सबके लिए अच्छा हो गया, तो अब उन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं, कहीं रिलेटिव एडवांटेज खाए हैं जीवन में। भाइयों बहनों, खुशी भी रिलेटिव ही है, जिसका नेबर दुखी है वही सुखी है। सोच बोलने में गंदी है, मॉरलिस्टिक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, डजेंट कम फ्रॉम ए हाई डिस्टिक, पर जीवन का सच ही है। आपका पड़ोसी के पास पंखा भी नहीं है, पसीने पसीने हो रहा है, आपने पंखा लगा रखा है तो आप अमीर हैं। इंडिया में ऐसे ही तो होता था पहले, जो गरीब थे वो बेचारे ऐसे ऐसे बिजना करते थे, फिर पंखा चलता था किसी लाट साहब के, महाभारत किसी के घर में देख के आते थे, कलर टीवी था, आप वो रिलेटिवली उसको अच्छा लगता था कि मेरे घर में आके देख रहे हैं। फिर उसके घर में जब पंखा आया तो आपके घर के अंदर वो आ गया, कूलर आ गया, वो और चिल्ड मारता था, उसके घर में कूलर आया आप एसी लेके बैठ गए। तो जब तक ये स्टोरी चल रही थी तो रिलेटिव हैप्पीनेस और एडवांटेज था, जब ये पार्टी रुक गई, उसके भी एसी आ गया, तुम्हारे भी गाड़ी, उसके भी गाड़ी, तो फिर अब कुछ नहीं है भाई, यही जीवन का सत्य है। तो रिलेटिव एडवांटेज जो लोग लेंगे दे आर डूइंग वेल। जीवन में मैं ये एग्जाम्पल लेके, जीवन में ये एग्जाम्पल लेके मैं ये वीडियो बंद करूँगा, और बहुत गहरा एग्जाम्पल है। एक आदमी आया कोई, कहते गुरु जी कंपनी क्या बोलते हैं पैसे नहीं देती ज़्यादा, तनख्वाह नहीं देती, कितनी देती है? 70-80 हज़ार दे रही है जी, बहुत पैसे कम देती है। मैं कहा पैसे कम नहीं देती कंपनी? कहती जी 70-80 हज़ार है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 70-80 हज़ार है। मैं कहा तेरी कंपनी में किसी को 4-5 लाख मिल रहे हैं? कहते हैं हाँ मिलते हैं, वीपी को मिलते हैं। तो मैं कहा वीपी को वही कंपनी 4-5 लाख दे रही है? कहते हाँ। और मैं कहा तेरे को 70-80 हज़ार देते हैं, तो इसका मतलब तू वैल्यू कम ला रहा है ना कंपनी के लिए, कंपनी तो वही है, कंपनी एक आदमी को 4 लाख दे रही है, एक को 1 लाख दे रही है, एक को 40 हज़ार दे रही है, वही कंपनी है। तो जो जितनी वैल्यू लेकर आ रहा है, जो जितनी वैल्यू दे रहा है कंपनी को, कंपनी उस हिसाब से पैसे दे रही है। ये सारे के सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ही तो उपज हैं। इंडिया के जो स्कूल्स हैं, जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय हैं, उनके बच्चे आज भी टॉप पोजिशनों पर पहुंचे हुए हैं। और जो इतनी फीस वाले हैं ये ड्रीमी आइड घूम रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम वही एनसीईआरटी, वही सिलेबस है, 10वीं 11वीं 12वीं तक जाते जाते सब बराबर हो जाता है। वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, आईसीएसई का बोर्ड एग्जाम है, सब एक हो जाता है, यूपी बोर्ड ये बोर्ड सब सेम हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप जब जाके किसी एग्जाम की वो देते हो तो उसमें ये नहीं होता कि यूपी बोर्ड वाले के लिए तो ये पेपर है नीट का, और ये आईसीएसई वाले के लिए ये, वो सीबीएसई वाले, सबके लिए एक ही है। तो सब जाकर एक जगह एक हो जाते हैं, मतलब वो है ना, पहले अलग अलग लेन है, फिर वहीं उसी टनल में से गुजरना है सबको। तो इसका रोना बंद कर दो जीवन में, कि एजुकेशन सिस्टम का मैं रिलीफ बता रहा हूँ। ये स्कूल वाले आपको घुमाते हैं सबसे ज़्यादा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपको ये करना है, आप क्यों नहीं करें। पेरेंट टीचर मीटिंग में ऐसे पेरेंट्स ना ऐसे हो जाते हैं कई बार कि ये इतने वांटिंग है, इतनी फीस लूट रहे हैं स्कूल वाले, और आप ही को नीचा दिखा जाते हैं। वही टीचर ऐसी क्या लाट साहब है टीचर, देखो टीचर्स के लिए मेरे आदर भी बहुत है, टीचर्स के लिए मैं बहुत वेबिनार्स भी करता हूँ, बट यहाँ मैं पेरेंट्स के को भी बता रहा हूँ।
एक टाइम आता था तो 25-30 साल पहले पेरेंट्स टीचर को बोलते मारा करो हमारे बच्चे को, ऐसा आजकल तो नहीं कहता, आजकल मारना, पर एक टाइम था कि हमारे बच्चे को स्ट्रिक्ट रहा करो। आज के दिन स्कूल्स को, टीचर्स को इतना चूस रहे हैं स्कूल की मैनेजमेंट, टीचर के व्हाट्सएप बना रखे हैं, पेरेंट कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। पर क्या इससे एजुकेशन सिस्टम बेटर होके के वो कहीं पहुंच रहा है? ऐसी फीलिंग आ रखी है पेरेंट्स में भी कि चूस लें हम स्कूल से, तो एज ए रिजल्ट स्कूल से नहीं चूसे जा रहे, टीचर की ऐसी तैसी हो रही है और बच्चे की हो रही है, क्योंकि वो सिलेबस और क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूशन क्लास, ये क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिमाग की दही कर रखी है। सबसे पहले अगर इंडियन एजुकेशन को ठीक करना है तो मेरा एक ही एडवाइस है, स्कूल के टाइमिंग 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और टाइमिंग होने चाहिए 9 से 1 बजे। ये जो ये कर रखे हैं ना, 7 बजे से पता नहीं कितने बजे सो के बच्चा उठता है, आधे बच्चे पेट साफ करके नहीं जाते, कोई से खाना ठीक नहीं है, कोई बड़ी छोटा बच्चा ऐसे आंखें करके जाता है, मेरा दिल तो ऐसा पसीसता है, सत्यानाश कर रहे हैं हम अपने। ये हमारी ग्रोथ नहीं हो रही बच्चों की, हमारी लड़कियों को गायनी इशूज़ हो जाएंगे जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनने वाली एज पे 12 से 15 साल पे इतना हम स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चियों को, लेकिन ये मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स बावड़ी पूछ हैं आधे, जिनको खुद नहीं पता जाना है स्कूल, जाना है स्कूल, जाना है। लड़की के नए नए पीरियड स्टार्ट हुए हैं, पेरेंट्स को उसको पता नहीं कहाँ पहुँचाना है, नहीं तू लड़कों के साथ है, लड़के कौन से चांद तक पहुँच रहे हैं। ये सब मुद्दे और भी मेरे पास बहुत हैं, पर मैं थोड़ा सा ठहराव में रुक जाता हूँ, क्योंकि फिर उत्तेजना हो जाती है, फीलिंग आ जाती है, पर मेरे को वहीं रोकना है अपने आप को। वो मैं सोल्यूशंस हैं, धीरे धीरे आएंगे, पर पहले मुद्दे तो समझ लें। ये मुद्दे ही नहीं पता लोगों को। आप 13 साल 14 साल की लड़की के माता पिता हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ गुरुजी बैठा है जो सब 12 साल से लेके 70 साल तक हैंडल कर रहा है। मुझे पता है कि सप्लाई कहाँ से आ रही है और आगे जाके कहाँ फंसती है, और नौकरी का तो पता नहीं, ना पैसे का पता, ना आगे का पता, हेल्थ का तो पता है। जब वो आपके ऑर्गन्स बन रहे हैं तो उसको रिलैक्स रहने दो थोड़ा। स्ट्रेस में हैं बच्चे, स्टंटेड ग्रोथ हैं, 5 फुट 5 इंच तो पहुंचना चाहिए भारतीयों को, अभी भी गाँठे गाँठे से घूमते हैं हमारे। जब अंग्रेज थे तो गरीब थे, खाना नहीं खाते थे, तो चलो कमज़ोर थे तो समझ लिया देशी गुलाम है। अरे आज़ाद देश में पिताजी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खाना घर में पूरा पड़ा है, लेकिन बच्चे का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि स्कूल वालों ने घुमा रखा है। स्कूल वालों को क्यों नहीं बोलते आप लोग कि यार लेट्स, वो कहेंगे 9 बजे ऑफिस के टाइम में टाइट हो जाता है ये, क्योंकि टीचर्स यहाँ रन करती नहीं, हमें अपने दोपहर को आके खाना बनाना है। क्यों बनाना है खाना तुम्हें दोपहर को आके, और बनाना है तो 10 से 2 तक स्कूल कर दो, बना लो अपना खाना घर में। आधे से ज़्यादा टीचर्स अपने स्कूल्स की कैंटीन से खाना लेके जाती हैं घर में, ये बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बनाती घर जाके। आजकल अच्छे स्कूलों में ना सब खाने वाने मिलते हैं, खुद ही खा के जाती हैं, डब्बे पैक करा के भी जाती हैं किसी के लिए। जीवन में स्कूल वाले चला रहे हैं पेरेंट्स को, और मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स तुम उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, तुम चलाओ। तुम बोलो ले ले फीस, मेरा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दे दे मुझे वो क्या 1200 का कपड़ा आ रहा है ना, तेरे को 1200 रुपये कमाने हैं ना फैंसी ड्रेस वाले, तो ले ले, पर मैं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उठा के इतनी सी फ्रूटी पकड़ा देते हैं बच्चे को, 4 घंटे वहाँ नचा के रखते हैं। हर पेरेंट अपने बच्चे की ऐसी तैसी करा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम में एक लोग हैं लूटने वाले, एक हैं लुटने वाले। लूटने वालों से ज़्यादा मैं दोषी देता हूँ जो लूटने को तैयार है उनको। लूटने वाला तो लूटेगा, वो तो ये सिस्टम ऐसा बनाएगा, नो देन आई विल नॉट गिव। अरे नॉर्मल स्कूल वाले भाव खा रहे हैं एडमिशन देने के लिए, कौन सा उससे जाके नौकरी लग रही है? और लोग ऐसे गिरे जा रहे हैं, सिफारिश करने को तैयार हैं, पैसे देने को तैयार हैं, लेटने को तैयार हैं प्रिंसिपल के बिल्कुल चरणों में कि जी हमारे बच्चे को कर दो, पता नहीं क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनने वाला। स्कूल सिलेक्शन कैसे करना है, स्कूल वालों के नखरे कैसे ठीक करने, स्कूल वालों को टाइट कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं। मेरे को बैकलैश बहुत आएगा क्योंकि मैं इनसे भी पैसे कंसल्टेशन में, मैंने बोला ना बैटिंग हर तरफ से करता हूँ, मैं इनको भी सिखा रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं है ये सीखने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं क्या सीखना, जब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं तो फिर क्या है प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही तो टाइट करना है। द मोमेंट समबडी टेल्स यू तेरे बच्चे का भविष्य है, तो सडनली सब सरेंडर हो जाते हैं। आप सब्जी के लिए, धनिया के लिए बार्गेन कर लोगे, लेकिन स्कूल की फीस के लिए नहीं, नहीं अगर हमने बार्गेन किया तो ये हम ऐसा लगेंगे कि हम गरीब हैं, हम बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। गुरुजी आई वांट टू गिव द बेस्ट टू माय चाइल्ड, बेस्ट एजुकेशन। मैं कहता हूँ दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, तो हाउ कैन यू गिव समथिंग विच इज नॉट देयर। इट इज़ लाइक सेइंग आई वांट टू गिव बेस्ट मैंगो टू माय चाइल्ड, बेस्ट मैंगो इज एक्सपोर्टेड, केसर मैंगो 1500 रुपये के जी इज एक्सपोर्टेड, खाने को नहीं मिलता, मैं फूडी हूँ।
मैं पैसे खाने पे कितने भी खर्च करने को तैयार हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मिलता ही नहीं अच्छा। सारा अच्छा माल हमारे देश का खाने का बाहर चला जाता है, बाहर जाके अच्छा मिल जाएगा क्योंकि इंडियंस देना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं कि इंडियंस को बहुत वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल रही है, यही प्रॉब्लम एजुकेशन में, पैसे भी दे रहे हैं और क्वालिटी भी नहीं मिलती क्योंकि हमने सोच लिया क्वालिटी तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि क्वालिटी तो महंगी है और पैसे हम देंगे नहीं। तो हम 2 रुपये बचाने के लिए, चवन्नी बचाने के लिए हम सारी घटिया चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जीवन का ये भी सत्य है। मेरा ही एक ऐसा चैनल है भाइयों बहनों जो एट द एंड ऑफ इट अपने सब्सक्राइबर जो सुनने वाला है उसी को जलील करके चले जाता है। गवर्नमेंट को मैं ज़्यादा जलील नहीं करता, स्कूल मैनेजमेंट को भी नहीं करता, ऐसा लगता हूँ कि मैं इनका एजेंट हूँ। मैं इनका एजेंट नहीं हूँ, मैं आप ही को बुद्धि विवेक चेतना जगा रहा हूँ यहाँ पे, बड़े खलूसियत और प्रेम से और अफेक्शन एंड सिंसियरिटी, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली करके, सब कुछ ऐसे ही करके बता रहा हूँ। अगर समझो तो दर्द को समझो, भावना को समझो, बेवकूफ़ बनना बंद करो इनसे। स्टार्ट होता क्या है, आपसे पैसे ले जाते हैं तो आप वसूलने के लिए अपने बच्चे को वाट लगाने को तैयार हो, बोले यार तू पैसे ले ले, बस तू चुप रहे, जाना होगा चले जाएगा, लेना होगा ले जाएगा। तुम्हारे बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उस नंबर का कोई फर्क ही नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम का फर्क नहीं है। यू विल हैव टू टीच योर चाइल्ड समथिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, वो खुद नहीं आती। तो मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, फ्री का ऑफर देना चाह रहा हूँ, फ्री, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। आई रियली डोंट नो कितना, क्योंकि 100 लोग तो मेरे को मिनिमम चाहिए फ्री में भी कुछ देने के लिए। 4 लोगों को मैं फ्री में, मैं भी क्यों कुछ खोलूं। जब आप एक भंडारा और लंगर करते हो, एफर्ट लगाते हो, तो आप चाहते हो 100-200 लोग तो खाना खा के जाएं, मतलब 4 लोगों को खाना खिलाने में इतना एफर्ट क्यों मारेगा कोई। तो मैं एक फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी का, स्टॉक मार्केट का, पैसे का एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ जो 14 साल से ऊपर के, 13 साल से ऊपर के बच्चे अटेंड कर सकते हैं, 13 से 18-20 साल के। अगर आप लोगों पेरेंट्स हैं, सपोज़ हैं पेरेंट्स, ठीक है, उस एज ग्रुप वालों के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला मैं बता दूंगा कि किधर होगा वो, और समझा दूंगा कि कब डेट होगी। इस वीडियो के विदिन 5-6 डेज होगी, वीकेंड पे ही होगी, तो आपके बच्चे आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। हो सकता है वो ऐसा ज्ञान हो कि वो बताया बच्चों को जा रहा है लेकिन आपको भी फ़ायदा हो जाए, तो एक ही लिंक से जुड़ जाएंगे, मैं इसकी कोई फ़ीस नहीं लूँगा। तो आप लोगों को मंजूर है ये चीज़, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, क्योंकि क्या कहीं ऑफर भी तो करके जाए ना कि कुछ और भी चीज़ हो सकती है। वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है सिखाने की, जो चीज़ कोई नहीं सिखा रहा, और जो व्यवहारिकता सीख गया, प्रैक्टिकलनेस सीख गया, वो अच्छा कर लेगा, बस इतना ही है। इतने मोटे मोटे चश्मे लेके बच्चे, वैसे भी अरे उम्र हुई नहीं, चश्मे इतने मोटे पहले चढ़ गए, वो करेगा क्या जाके आगे, अभी एजुकेशन सिस्टम ने उसे आँखें चूस ली उसकी, तो आगे क्या जाना है, उसने क्या करना है। ये इतनी ऑरा में रहना, डरना बंद कर दो स्कूल वालों से, टीचर से, और ये इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस देन आई डोंट सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। बोलो मैडम ये फ्यूचर देख लेंगे, हमारा बच्चा है, हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। पेरेंट्स का फ्यूचर ब्राइट है तो बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, ज़्यादातर क्या पेरेंट्स का फ्यूचर का ही नहीं पता क्या हो रहा है। करना चाहते हो अपना फ्यूचर अपने हाथ में, खुद के हाथ में, तो आएँ और मिलें वेबिनार में, पेरेंट्स ज्वाइन करें, बच्चों के साथ ज्वाइन करें, सो दैट मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। तो बहुत अच्छा सा ऑफर है, एंड ये आज़ादी का महोत्सव आ रहा है, इसमें ऐसा मूड है, अदरवाइज आई हेट डूइंग फ्री थिंग्स, मैं कैपिटलिस्ट आदमी हूँ, ठीक है। तो ऑफर है, आएँ जुड़ें, बच्चों को ज्वाइन करें, एंड बच्चों पे प्रेशर डालना बंद कर दें, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, सब सीख ले, स्कूल में नंबर भी लिया, ये लिया। आप खुद इतने शाणे थे क्या कभी, हैं? सिंगिंग में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, कम्युनिकेशन, डिबेट में भी अच्छा, क्विज में भी अच्छा, एग्ज़ाम में भी अच्छा, नौकरी भी अच्छी, शक्ल भी अच्छी, मैनर्स भी अच्छे, तमीज़ भी अच्छी, सुबह भी जल्दी उठना। अरे क्यों जान निकाल रखी है बच्चों की यार, क्यों ऐसी तैसी कर रखी है। बी ए नाइस पेरेंट, थोड़ी पेरेंटिंग टिप्स बच्चों के सामने भी हल्की सी दे दूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये वाले मेरे को ज्वाइन करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो ये बच्चों वाला हैं और बच्चे वाले पेरेंट्स हैं आपके साथ के, तो उनको भी ये वीडियो दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एजुकेशन सिस्टम को गाली देना बंद कर दें, ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा, इससे अच्छा होने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। देर वॉज अ टाइम जब एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में मिडिल क्लास के बच्चे ही ब्रिलियंट ट्यूटोरियल ले लेते थे, अच्छी फीस दे सकते थे, और एक्सेस टू बुक्स था, कोचिंग था, एंड डिफॉल्ट सेटिंग पे नौकरियां लग जाती थी, क्योंकि गरीब
तो इस सिस्टम में आते नहीं थे। अब सिस्टम ऐसा और बेटर हो गया एक्चुअली कि यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट की कॉस्ट कम होने के माध्यम से बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। तो कोई एडवांटेज नहीं है मिडिल क्लास के बच्चा होने का, गरीब के बच्चे भी अब कॉम्पीट कर रहे हैं और केक अभी तक उतना ही है, समझ रहे हो। तो हमें ये केक से बाहर और बहुत केक्स हैं, इस केक को छोड़ के हम और केक भी खा सकते हैं, यही मैं सिखाऊंगा आपको। अब हिंट मिल गया होगा तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल वांट टू जॉइन दैट। तो लेट्स गो फॉर अदर केक्स जहां भीड़ कम लगी हुई है, केक केक ही है। तो प्लीज़ ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें ज़रूर, एंड कमेंट सेक्शन में लिखें वी वॉन्ट दैट वर्कशॉप एंड वेबिनार, प्लीज़ लिखें, लिखेंगे तभी होगी। थैंक यू वेरी मच।